अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। टैग्स की रैंकिंग क्या होती है, इस तरह के टैग्स कैसे मिलते हैं, किस तरीके से ये टैग्स रैंक कर जाते हैं और उनकी बेस के ऊपर आपकी वीडियोस रैंक कर जाती हैं और आपके बहुत बेतहाशा व्यूज आ जाते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को सिंपली विदाउट वेस्टिंग द टाइम समझाऊंगा कि ये टैग्स रैंकिंग क्या होती है और इस तरह के रैंक्ड टैग्स या वायरल टैग्स जिनको कहा जाता है जो जल्दी रैंक कर जाते हैं वो आप लोग कैसे निकालते हैं। ठीक हो गया तो वीडियो को लाइक कर दें, फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज, यूजफुल वीडियोज आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये टैग्स की रैंकिंग क्या होती है। अगर आप लोग ट्यूबडी यूज करते हैं, vidIQ यूज करते हैं, कोई भी एक्सटेंशन यूज करते हैं तो आप लोगों के मतलब कि टैग्स के आगे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। कोई टैग है उसके आगे लिखा हुआ है नंबर 4, कोई टैग है उसके आगे लिखा हुआ है नंबर 7, कोई टैग है उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल ये मतलब होता है कि जब ये वाला टैग सर्च किया जाता है यूट्यूब पे तो उसके अगेंस्ट आपकी वीडियो चौथे नंबर पे आती है। किसी के आगे 7 लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि जब इस टैग को सर्च किया जाता है यूट्यूब पे तो उसके अगेंस्ट आपकी वीडियो 7वें नंबर पे आती है। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनके आगे कुछ भी नहीं लिखा आता, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिस वक्त आपकी इस टैग से रिलेटेड वीडियो सर्च की जाती हैं तो आपकी वीडियो सामने ही नहीं आती, वो कहीं तीसरे चौथे पेज के ऊपर जाके सर्च रैंकिंग में पड़ी होती है। तो इस तरह के टैग्स का कोई फायदा नहीं होता। तो किस तरह के टैग्स का फायदा होता है? इस तरह के टैग्स का फायदा होता है जो कम से कम 10 रैंकिंग तक तो आए ना, 1 से लेकर 10 की रैंकिंग तक तो आए ना। तो आज मैं आप लोगों को एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन बताऊंगा जहां से आप लोग दो तरह के टैग्स होते हैं वो दोनों तरह के टैग्स ले सकते हैं और अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं और फिर आपके टैग्स रैंक होने के ज़्यादा चांसेस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे आप लोगों के। ठीक हो गया। अब टैग्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक वीडियो है उसके ऊपर मैंने टॉपिक है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो इसके जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है वो क्या बनेगा? हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल इन 2022। ठीक है, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है जो टैग्स के लिए हम यूज़ करेंगे। अब इसका एक शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होगा? वो ये होगा क्रिएट यूट्यूब चैनल, मेक यूट्यूब चैनल, हाउ टू मेक यूट्यूब, ये जो है ये इनके शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक है, मतलब अभी हम सिर्फ टैग्स की बात कर रहे हैं, हम टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहे। तो ये दोनों टैग्स किस तरीके से निकालने हैं, किस टूल की हेल्प से निकालने हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलें, एक वेबसाइट आप लोगों को दिखाता हूँ और उसके बाद एक एंड्रॉयड मोबाइल की एप्लीकेशन दिखाता हूँ, दोनों को यूज़ करते हुए आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ वो आप अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वेबसाइट आप लोगों को सबसे पहले बतानी है, जो बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है और मैंने तो इसको भाईजान सीधी सी बात है बुक मार्क करके इसको सेव करके रख लें। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लोगों को बिल्कुल फ्री के अंदर बहुत सारे इसमें टूल मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो टूल है जी जनाबे वाला, एक तो ये है कि अगर आप लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पे इंडेक्स हुई है या नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे ये है और मैं जो ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ करता हूँ किसी भी वेबसाइट का थीम निकालने के लिए, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ किसी भी वेबसाइट का थीम निकाल रहा हूँ ना कि इस पे थीम कौन सा लगा हुआ है, तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कीवर्ड सजेशन टूल की। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने आना है और कीप इन माइंड कि ये वाला जो टूल है ये हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के लिए निकालेंगे। ठीक है, मतलब कि जो हमने शॉर्ट टेल टैग्स निकालने हैं उनके लिए निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं जी ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग और यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग लिख के यहाँ पे हम सजेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखें, इससे जो हमें निकाल के दिए हैं ये टॉप रैंक्ड कीवर्ड्स हैं जो कि मेरी टेरिटरी के अंदर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। समझें इस बात को। इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले 4 से 5 कीवर्ड्स उठा लेने हैं। ठीक है, पहले 4 से 5 मैक्सिमम जो है वो 5। ठीक है, ये वाले आप लोगों ने उठा लेने हैं और इसके अंदर देखना कोई अगर इररिलेवेंट है, फॉर एग्जांपल ये देखें ऑनलाइन अर्निंग स्टेटमेंट ये इररिलेवेंट है तो इसको छोड़ के ये वाला उठा लेना है आप लोगों ने। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप लोगों ने 5 कीवर्ड्स यहाँ से उठा लेने और ये अपने टैग्स के अंदर डाल लेने। ये टॉप रैंक्ड कीवर्ड्स हैं, फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट का नाम है tenuptools.com, ये मैं आप लोगों को जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, और बाकी इसके अंदर जो टूल है थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी उसके बाद एक एंड्रॉयड ऐप है, एंड्रॉयड ऐप से आप लोगों ने किस तरीके से टैग्स निकालने हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी वेबसाइट का चेक करना हो कि ये मतलब कि इंडेक्स्ड है गूगल सर्च कंसोल के अंदर या नहीं है, तो आप लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली वेबसाइट है,
इसको करता हूँ कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको करता हूँ पेस्ट, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आके इसको चेक करता हूँ, तो ये हमें बता देती है कि हाँ जी आपकी ये वाली वेबसाइट जो है ये इंडेक्स्ड है या नहीं है। ठीक है, तो इसके एक और भी बहुत सारे फायदे हैं, आप लोग नीचे देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको, लेकिन मुझे तो ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसको बुक मार्क में सेव करके रखा हुआ है, 10uptools.com। ओके, दूसरा दूसरा है जी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन का क्या नाम है, यू टूल्स। ठीक है, आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये यू टूल्स सर्च करेंगे तो SEO टूल्स के नाम से, यू टूल्स SEO टूल्स। ठीक है, इसको आप लोगों ने करना है ओपन। ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये जो चौथा है कीवर्ड सजेशन, ये भी इसके नीचे भी पढ़ लें, रैंक हायर इन सर्च। ठीक है, मतलब कि टॉप रैंक्ड कीवर्ड्स ये आप लोगों को निकाल के देता है। इसको क्लोज करें, यहाँ पे आप लोग फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, ये EAR अर्निंग। ठीक है, और उसके बाद कंट्री भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दे सकते हैं भाई किस कंट्री के अंदर मुझे ये चाहिए, लेकिन ये ऑप्शनल है, दे ना दें। ठीक है, सर्च पे क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें, ये आप लोगों को ये देखें, ये स्कोर निकाल के बता रहा है कि ओवरऑल इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो बहुत हाई है, ये भी बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, कंपटीशन इसमें मीडियम है। यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करें तो व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आप लोगों को टॉप रैंक कीवर्ड्स उठा के दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको यूं क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। ओके, हो गया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इन दो के पहले पांच इसके उठा लें और पहले पांच वेबसाइट जो आप लोगों को बताई है 10 अप टूल्स, यहाँ पे जाके इसके नीचे जाके कीवर्ड सजेशन जो है ये निकाल लें, यहाँ से निकाल लें, तो इंशाल्लाह आप लोगों की वीडियोस जो है वो जल्द अज जल्द रैंक करना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं तो भाई ये दो चीज़ें यूज़ करता हूँ, यहीं से मैं अपने वीडियोस को रैंक करने की कोशिश करता हूँ। ठीक हो गया, तो जो चीज़ मैं करता था तो मैंने कहा कि आप लोगों से बता, आप लोगों को भी साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों की भी वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करें। तो इंशाल्लाह ये वीडियो और ये दो टूल्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे और आप इनको यूज़ करके अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, पाइंदाबाद।